सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त और इस चैनल का होस्ट जसवंत, और हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आप सभी का जसवंत गेमर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेजर्ट ईगल वन टैप हेडशॉट। एंड गाइस, हम इस वीडियो में डेजर्ट ईगल के बारे में ही बात नहीं करेंगे, जितने भी गन्स हैं जिनसे हम वन टैप हेडशॉट मार सकते हैं, हम उन सभी के सभी गन्स के ऊपर बात करेंगे। एंड गाइस, आज का वीडियो जो होने वाला है एकदम इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि मैंने इस वीडियो को बनाने में कितना ज़्यादा टाइम लिया है। एंड गाइस, टाइम लेने के साथ साथ मैंने एवी टाइम नहीं लिया है कि बस टाइम ले लिया और इतने दिनों से वीडियोस भी नहीं डाले चैनल पे और ऐसे ही नहीं। गाइज, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स से मैंने नॉलेज ली है। एंड गाइज, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, ठीक है, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि वाकई में जो है वन टैप हेडशॉट मारते हैं बिल्कुल बाहर के प्लेयर्स की जैसे, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या सेटिंग्स होती है, हमको क्या कस्टम एचयूडी रखना होता है, कैसे खेलना होता है, क्या सेंसिटिविटी रखना होता है, क्या सेटिंग होनी चाहिए मोबाइल की, क्या हमको डीपीआई चेंज करना चाहिए या कोई मैक्रो यूज करना चाहिए कि हमारा वन टैप हेडशॉट लगने लगे। तो गाइज, मैंने जो भी चीजें पता की, जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स पता किए, तो वो आज सारे के सारे बताने वाला हूं। पहले गाइज, मैं बेसिक नॉलेज दे देता हूं। एंड गाइज, आप सभी लोगों को जो है टॉप 3 टिप्स एंड ट्रिक्स आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, जो कि अगर कि आप फॉलो करोगे तो 100% आपका वन टैप हेडशॉट लगने लगेगा, ठीक है। एंड गाइज, देखो मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, आपका जो है वीडियो देखने के बाद 80% फुल्ली चांसेस है कि आपका वन टैप हेडशॉट लगने लगेगा। 20% डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे वन टैप हेडशॉट लगने के। लेकिन गाइस, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो 80% वर्किंग है, 20% वर्क वो तभी करेगी जब आप जो है प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो गाइस, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी, ठीक है। तो अगर कहीं आपको जो है करना है वन टैप हेडशॉट मारना ही है, तो आप लोग जो वीडियो पूरा देख लो एंड जितना हो सके ट्रेनिंग मोड में जाके प्रैक्टिस करो, ताकि आप जो है आराम से जो है वन टैप हेडशॉट मारने लगो। तो चलो यार, हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं आपको मोबाइल की क्या सेटिंग्स रखनी है एंड आप लोगों को जो है गेम की क्या सेटिंग रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात आती है वो ये कि हमको क्या डीपीआई को चेंज करना है या नहीं। नहीं गाइस, आप लोगों को डीपीआई को चेंज बिल्कुल नहीं करना है। जो आपकी डीपीआई है डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आप जिस डीपीआई में भी खेलते हो आपको वही रखनी है। आप 500 डीपीआई यूज करते हो, 400, 360, जितना भी आप यूज करते हो डीपीआई उतना ही रखो, बढ़ाने की या कम करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी आप डीपीआई को यूज करते हो उतना ही रखो, ठीक है। अब अगर कहीं आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ गया है कि ये डीपीआई होता क्या है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करो डीपीआई फॉर फ्री फायर, तो आप लोगों को जो समझ में आ जाएगा कि ये डीपीआई होती क्या है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं दूसरी बात की गाइस, मैक्रो। तो मैक्रो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक ऐसी चीज है कि आप एक क्लिक करोगे तो आपके जो है 3-4 कमांड एक साथ हो जाएंगे। मतलब जैसे कि हमको सेटअप हेडशॉट मारना है तो एक टच में जो है सेटअप हेडशॉट पूरा का पूरा लग जाएगा। वो एनिमी जो मतलब जो हमारा बंदा है, जो हमारा प्लेयर है, वो बैठ जाएगा, स्कोप ले लेगा, उठ जाएगा, फायर भी कर देगा जस्ट एक क्लिक में, ठीक है। तो ये होता है गाइस मैक्रो। तो इसका भी आपको यूज नहीं करने की कोई जरूरत है ही नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप मैक्रो से भी मतलब ये है कि देखो गाइस, मैक्रो क्या करता है ना, बहुत जल्दी जल्दी जो है क्लिक कर देता है बटन को, ठीक है। ऐसे ही गाइस, अगर कि आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका हाथ एक मैक्रो बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। सो ये तो हो गई गाइस डीपीआई और मैक्रो की बात। अभी हम बात कर लेते हैं गेम सेटिंग के ऊपर। तो गाइस, यहां से होती है शुरू हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स, टॉप 3 टिप्स एंड ट्रिक्स यहां से हमारी शुरू होती है। एंड गाइस, अगर कहीं आप लोगों के माइंड में इस वीडियो को देखने के बाद अगर कि आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन आए वन टैप हेडशॉट रिलेटेड, तो कमेंट जरूर करना, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं जो हूँ सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है, एंड मैं जरूर रिप्लाई करूंगा अगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो। सो गाइस, यहाँ पर जो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहली टिप है वो है गेम सेटिंग की, वन टैप हेडशॉट ट्रिक कस्टम एचयूडी टिप नंबर 1 है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाइस गेम की जो कस्टम एचयूडी आपको थोड़ी सी चेंज करनी होगी वन टैप हेडशॉट मारने के लिए, जो कि है फायर बटन को थोड़ा सा छोटा रखना होगा, ठीक है। अगर कि आपके मोबाइल की स्क्रीन जो है बड़ी है तो आप फायर बटन को बड़ा भी रख सकते हो, वैसे जितना आपके मोबाइल की स्क्रीन हो उतने उस हिसाब से आप जो एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन 50% से ज्यादा आप जो है मत बढ़ाना अपने जो फायर बटन को, 50% से ज्यादा करोगे तो आपके ड्रैग हेडशॉट्स नहीं लगेंगे, ठीक है। एंड वन टैप हेडशॉट मारने में कहीं ना कहीं ड्रैग का गाइस रोल होता है, अगर कि आप ड्रैग करोगे तो ज्यादातर चांसेस होते हैं लगने के, ठीक है। सो ये गाइस आपको क्या करना होता, मतलब वन टाइम आपको जो है ड्रैग करना होता है। अभी हम बात कर लेते हैं सेटिंग्स की, ठीक है, कंट्रोल्स की। मतलब आपको एम प्रिसीजन आपको जो है रखना है डिफॉल्ट में, ठीक है, फुल कंट्रोल प्रिसीजन स्कोप इसमें नहीं रखना है, डिफॉल्ट में आपको रखना है, ठीक है। डिफॉल्ट में रखोगे तो ज्यादातर चांसेस रहेंगे आपके लगने के, ठीक है। तो ये गाइस हो गए यहां पर गेम सेटिंग्स की बात। अभी हम बात कर लेते हैं
हैं गाइस हमारी टिप नंबर 2 की। सो गाइस हमारी टिप नंबर 2 है योर स्टेबिलिटी, मतलब अगर कहीं आपको वन टैप हेडशॉट मारना है किसी भी एनिमी को पर अगर कहीं फायर कर रहे हो तो आपकी गाइस स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मतलब आप एकदम स्टेबल होना चाहिए, आप हिलना हिलडुल ना रहे हो। आप देख रहे हो जितने भी आप स्क्रीन पर भी वीडियोस देख पा रहे हो, यहां पर जो गाइस मैं जब भी एनिमी को जो है फायर कर रहा हूं, वन टैप हेडशॉट मार रहा हूं, तो यहां पर जो है मैं गाइस जॉयस्टिक जो हमारी होती है ना, यहां पर आपको एरो दिख रहा होगा, ये हमारी जॉयस्टिक होती है। तो गाइस इस जॉयस्टिक का मैं बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा हूं। अगर कहीं हम इस जॉयस्टिक का यूज करेंगे तो हम जो वन टैप हेडशॉट बिल्कुल नहीं मार पाएंगे। सो गाइस आप लोगों को जो है बिल्कुल भी मूव नहीं करना है, एक जगह आपको खड़ा रहना है, एक जगह मतलब स्टेबल रहिए, एंड एनिमी भी स्टेबल रहेगा तो ज्यादातर चांसेस रहेंगे। एंड गाइस आप लोगों को क्या करना है, चेस्ट के ऊपर, एनिमी के चेस्ट के मतलब चेस्ट पे ही रखेंगे अगर कि एम तो ज्यादा सही रहेगा। अगर कि आप मतलब स्टोमक पे रखोगे एम को, स्टोमक से गाइस वो पैर पे लगेगी गोली या स्टोमक पे ही लगेगी गोली, ज्यादा चेस्ट पे लगेगी गोली। लेकिन अगर कि आप जो है चेस्ट पे रखोगे एम को एंड आप लोग जो है स्टेबल होकर जरा सा ड्रैग करके आप फायर करोगे तो 100% आपका जो है वन टैप हेडशॉट लगेगा डेजर्ट ईगल से, ठीक है। एंड गाइस यहां पर ये ट्रिक जो है सभी की सभी गन्स में काम करती है, डेजर्ट ईगल प्लस ड्रैगन ऑफ ऐसी गन्स में जो गाइस ये ट्रिक काम करती है। एंड ये गाइस एक ट्रिक है, टिप नहीं है कोई, ठीक है, ये ट्रिक है, ठीक है, तो आप इसको फॉलो करो। अभी जो हम बात कर लेते हैं गाइस हमारी टिप नंबर 3 की, जो कि है सिट अप एंड फायर। गाइस ये मेन ट्रिक है, ठीक है, सिट अप एंड फायर। अब आप लोगों को क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको बैठना है, बैठने के बाद आपको तुरंत से खड़ा होना है एंड देन आपको फायर करना है थोड़ा सा ड्रैग करते हुए, ठीक है। सो 100% आपका ड्रैग हेडशॉट मतलब वन टैप हेडशॉट लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो गाइज मैं एक सेटअप लूंगा, अभी सेटअप लेने के बाद मैं जो हूँ फायर करूंगा तुरंत से, देखो मैं जल्दी जल्दी करूंगा गाइज ये प्रोसेस, ठीक है, बैठा, ठीक है, बैठने के बाद खड़ा होऊंगा एंड देन तुरंत से जो है फायर कर देना है। तो गाइज ये ट्रिक है, सिट करना है, अप करना है एंड फायर करना है, मतलब बैठना है उठना है एंड तुरंत से जो है फायर कर देना है। ये प्रोसेस आपको विद इन 1 सेकंड के अंदर करनी होगी, अगर कि आप जो प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करोगे सो गाइज आपका गारंटीड आपका जो है वन टैप हेडशॉट लगेगा। सबसे पहले आप सब लोगों को बैठना है, बैठने के बाद आपको उठना है एंड देन तुरंत से आपको फायर कर देना है, जरा सा फायर बटन को ऊपर की साइड ड्रैग करना है, आपका वन टैप हेडशॉट लग जाएगा डेजर्ट ईगल से। एंड गाइज यही ट्रिक आपकी डेजर्ट ईगल प्लस ड्रैगन अब में काम करेगी। सो यहां पर आप देख सकते हो मैं किस तरीके से जो हेडशॉट्स मार रहा हूं ये सारे के सारे वीडियो क्लिप्स में। एंड आप देखो गाइज ड्रैगन अब में भी ये ट्रिक काम करती है। अभी देखो मैं यहां पर एनिमी ने मेरे ऊपर फायर किया, मैं बैठा यहां पे, बैठने के बाद मैं उठा तुरंत से, तुरंत गाइज फायर कर दिया, तुरंत बैठा मतलब बैठ के तुरंत उठा और तुरंत फायर कर दिया। सो ये आपको प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करनी है, अगर यहां पे प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करोगे 100% आपका वन टैप हेडशॉट लगने लगेगा। एंड गाइज यहां पर जो है मैंने कोई भी कंफ्यूजन वाली टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दी है, सिंपली आपको समझा दिया है कि ये ट्रिक आपको फॉलो करनी है, बैठना है उठना है देन फायर कर देना है ड्रैग करते हुए। एंड गाइज जॉयस्टिक को टच भी नहीं करना है, अगर आप जॉयस्टिक से मूव करते रहोगे, सिटअप करके फायर करोगे, जॉयस्टिक को मूव करते रहोगे तो आपका वन टैप हेडशॉट नहीं लगेगा। सो जॉयस्टिक को बिल्कुल भी जो है हिलाना नहीं है, अगर कि आपका जो प्लेयर जो है हिलेगा तो आप जो है वन टैप हेडशॉट नहीं मार पाओगे, क्योंकि आपका जो एम जो है ना वो एनिमी की बॉडी पे लॉक हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर कि आपको वन टैप हेडशॉट मारना है तो आपका एम जो है ना एनिमी के बॉडी पे लॉक होना चाहिए। सो गाइस उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि वन टैप हेडशॉट कैसे मारते हैं। और अगर कहीं आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बताओ, मैं इसका पार्ट 2 में आपके सारे के सारे डाउट्स क्वेश्चंस क्लियर कर दूंगा। तो चलो यार आज के वीडियो में इतना ही था। एंड गाइस एक बात और, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी जो गाइस मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी, हेडेक हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था, समझ रहे हो, तो इसलिए जो वीडियोस नहीं आ पा रही थी। एंड गाइज इसीलिए आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा वीडियो का, और गाइज मैंने मेहनत भी की थी इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करोगे। गाइज इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 3,000 लाइक हमको इस वीडियो को पूरा करने होंगे, मेरी मेहनत के लिए गाइज एक लाइक कर दो। एंड अभी जो आप सभी लोगों को वीडियो मतलब मिलते रहेंगे, लेकिन गाइज देखो क्या है कि अभी हम लोग जो क्या करते हैं मतलब ऐसे नॉर्मल वीडियोज नहीं बनाते, हम लोगों को रिसर्च करना होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं भाई लोग, समझ सकते हो आप लोग, तो टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए ऐसा तो है नहीं कि डेली वीडियो अपलोड कर दें या एक दो दिन बाद वीडियो अपलोड कर दें, थोड़ा सा टाइम लगता है, रिसर्च करनी पड़ती है, लोगों से बात करनी पड़ती है, जो अच्छे प्लेयर हैं वाकई में मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं मेरी फ्रेंड लिस्ट में, तो उनसे थोड़ी बात करनी होती है, उनसे थोड़ी नॉलेज लेके एंड आप लोगों को जो है बताना समझाना पड़ता है। तो उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग समझने की कोशिश करोगे, वीडियोज लेट आ रहे हैं तो देखो यार प्यार मोहब्बत जैसे आप सभी लोग मुझे कर रहे हैं वैसे करते रहो। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे 100 के होने वाले हैं। तो चलो यार आज के वीडियो में बताया था, उम्मीद करते हो कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, आते हैं दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, शेयर यार कम हो रहा है आजकल, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर कॉल पे सेट कर देना। चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।